मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तानियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु देश पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। कायदे आजम का ये संबोधन पाकिस्तान के संस्थापक और देश के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से था। ये बताना जरूरी है कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने अपने पहले दो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाए थे, लेकिन जिन्ना की मौत के बाद इसे 14 अगस्त को मनाया जाने लगा। जिन्ना के उस भाषण की कुछ महत्वपूर्ण अंश हम आपको बता रहे हैं, उन्हें सुनिए। मुझे मालूम है कि कई लोग भारत के विभाजन, पंजाब और बंगाल के बंटवारे से सहमत नहीं है, लेकिन अब जबकि इसकी स्वीकृति मिल गई है, अब हम सबका फर्ज है कि जो समझौता हो गया है उसे अंतिम और अटूट माने। विभाजन होना ही था। इस बारे में दोनों समुदायों की चिंता, जहां कहीं भी एक समुदाय बहुमत में है और दूसरा अल्पसंख्यक, समझी जा सकती है। सवाल यह है कि क्या जो हुआ उसके विपरीत कदम उठाना संभव था? सरकार का सबसे पहला कर्तव्य कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है, ताकि देशवासियों की संपत्ति, जीवन और धार्मिक आस्थाएं सुरक्षित रखी जा सकें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो बंटवारे को नापसंद करते हैं। मेरी राय में इसके अलावा कोई और समाधान नहीं था। मुझे उम्मीद है भविष्य मेरी राय के पक्ष में फैसला देगा। एक संयुक्त भारत का विचार कभी सफल नहीं होता। मेरे विचार में इसका अंजाम भयानक होता। मेरा ख्याल सही है या गलत, ये वक्त बताएगा। समय के साथ साथ हिंदू, मुसलमान, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक के फर्क खत्म होंगे, क्योंकि मुसलमान की हैसियत में आप पठान, पंजाबी, शिया या सुन्नी हैं। हिंदुओं में आप ब्राह्मण, खत्री, बंगाली और मद्रासी हैं। अगर ये समस्या नहीं होती तो भारत काफ़ी पहले आज़ाद हो जाता। आप देखेंगे कि वक्त के साथ देश के नागरिक की हैसियत से हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा। धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि ये हर व्यक्ति का व्यक्तिगत ईमान है, बल्कि सियासी हैसियत से।